थिंग्स लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आए हैं पूना में और पूना में दगड़ूसेठ हलवाई का जो सबसे फेमस जो मंदिर है हम उसके पास है। तो हम आपको दगड़ूसेठ हलवाई जी का जो फेमस मंदिर है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ है और यहाँ का वातावरण भी अभी बहुत फ्रेश है, तो अभी हम आपको मंदिरों का दर्शन कराएंगे। चलो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे। गणेश जी का ये मंदिर महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इसके नाम और निर्माण के पीछे कुछ तथ्य है जो आपको जानना आवश्यक है। पुणे के श्रीमद दगड़ूसेठ हलवाई गणपति मंदिर का निर्माण दगड़ूसेठ हलवाई द्वारा कराया गया। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हुई है। दगड़ूसेठ गढ़वे एक व्यापारी और एक हलवाई थे जो कलकत्ता से आकर पुणे में बस गए थे। उन्होंने हलवाई के रूप में बहुत ख्याति पाई और लोगों ने उन्हें हलवाई उपनाम दे दिया। तो अभी हमारे सामने जो मेन दगड़ूसेठ हलवाई का जो गणपति है वो माना का गणपति है वो आज हमारे सामने है, तो हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह दगड़ूसेठ गढ़वे लोगों के बीच दगड़ूसेठ हलवाई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे दगड़ूसेठ एक सम्मुख व्यापारी और नामचित हलवाई बन गए और भगवान की आसीन अनुकृपा उन पर बनी। तो बताया जाता है कि दुर्भाग्य से 18वीं सदी में प्लेग की महामारी में उनके बेटे का देहांत हो गया। अपने पुत्र की अकाल मृत्यु और शोकाकुल दगड़ूसेठ और उनकी पत्नी ग्रस्त हो गए। तब उनके आध्यात्मिक गुरु श्री माधवनाथ महाराज ने उन्हें इस दुख से उबरने के लिए भगवान गणेश का एक मंदिर बनाने का सुझाव दिया। उसके बाद दगड़ूसेठ हलवाई ने पुणे में गणपति जी के मंदिर का निर्माण करा। यह मंदिर अपनी भव्यता और यहाँ आने वाले भक्त की मुराद पूरी करने का एक प्रसिद्ध है। कहते बाप्पा के दर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ बाप्पा 30 दिनों में भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देता। कहते यह मंदिर दगड़ूसेठ हलवाई और पुणे के गोडसे परिवार की श्रद्धा आस्था के प्रतीक है। यह मंदिर वास्तु के लिए लिहाज से बनाया गया। मंदिर का मुख्य मंडप दीवारों पर ऊपरी आदि शक्तिया अद्भुत झांकी प्रतीक है। बाप्पा स्वयं इस ईश्वर में नहीं विराजमान बल्कि उनकी शरण में आने वाला उनका हर भक्त दरिद्रता और विघ्न बाधाओं से मुक्त पाकर ऐसे ही ईश्वर को प्राप्त करता। शास्त्रों में बाप्पा यानी गणपति का पंचमुख कहा गया। मान्यता है कि धरती आकाश आग हवा और जल सारी शक्तियां इसमें समाई है। यहाँ कोई मनमत के लिए शीश नवाब कोई बाप्पा का आशीर्वाद लेने दूर दूर से यहाँ आते। इस मंदिर में भगवान गणेश जी की 5.5 फुट ऊंच और 4 फुट चौड़ी लगभग 8 कीगा माना सोने की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण बड़े धूमधाम से खूबसूरती से किया गया। निर्माण में विशेष शैली का उपयोग किया है। भगवान की पीठासीन प्रतिमा मंदिर के बाहर से ही दिखाई देती है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जय और विजय नामक दो प्रतिमा। दोस्तों हम बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आपको ये जो दर्शन आपको इतने नजदीक से मिल रहा है ये साल में एक ही बार मिलता है। तो ये जो अभी विसर्जन का समय चल रहा है तो विसर्जन का समय अभी पूरा हो गया है क्योंकि अभी ये जो प्रतिमा अभी गणपति जी के मंदिर में ये अभी स्थापन हो जाती है तो फिर एक साल के बाद ही फिर इसको फिर से पूरे पुणे सिटी में इसको मिरुनुक निकाला जाता है। तो दोस्तों अभी हम जो आपको ये दिखा रहे हैं ये हमारा भाग्य ही समझना होगा। दोस्तों हम तो बहुत भाग्यशाली है क्योंकि इतने नज़दीक से और आप सबकी दुआओं के कारण हमें श्री दगड़ूसेठ गणपति जी का हमें दर्शन हुआ। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम दगड़ूसेठ के दर्शन कर रहे थे तो हमें बहुत ही खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज विसर्जन के दिन भी हमें ये सारा अच्छा मौका मिल गया। तो जैसे हम मंदिर के बाहर निकले तो वहाँ पे उनका जो रथ खींचने वाले दो हमको बैल मिले तो ये भी बहुत तगड़े थे। उनको देखकर ही हमें ऐसा लग रहा था कि कितने भाग्यशाली होंगे कि इतने बड़ा रथ वो खींचकर अपने बाप्पा की सेवा में स्थित है। तो जैसे हम मंदिर के बाहर निकले तो वहाँ पे मंदिर को बाहर निकलने का तो हमें मन ही नहीं कर रहा था
लेकिन फिर भी बहुत सारे गणपति पूना में थे। तो उसी गली में जैसे हम आगे बढ़े तो वहां पे हमें और सारे गणपति मिले। दोस्तों वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कितनी सारी भीड़ है, यहाँ पे इतनी भीड़ है। और 2022 में तो सारा फ्रीडम ही कर दिया है, क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ पे पहले इतना पूरा कर्फ्यू लग गया था। अभी देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। तो ये साल 2022 हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही खुशियों का त्यौहार है। तो दोस्तों ये यहाँ पे बहुत सारे डीजे बजाए जाते हैं, लोग अच्छे तरह से डांस करते हैं, बापा के को विदाई करते हैं, और बहुत ही अच्छा सारा यहाँ पे भक्ति में खो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि पूना सिटी ये महाराष्ट्र में से 2 नंबर की सिटी है। और पूना सिटी में सबसे ज़्यादा जो बढ़िया त्यौहार जो मनाया जाता है वो गणपति जी का ही मनाया जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये गणपति जी के त्यौहार में लोग बड़े धूमधाम से रथ यात्रा निकालते, बहुत धूमधाम से डांस भी करते हैं, और जो भी मनोकामना है यहाँ पे भक्त लोगों की मनोकामना पूरी भी हो जाती है। और भी सारे गणपति है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका प्यार ऐसा ही बनाते रहा तो हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम और भी आपको आगे के मंदिर की गणपति है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों कमेंट्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। समझ में आया दोनों क्या चाहते हैं? आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।